There's a high chance we'll have to cancel for sure today. India ka jam mein phans gaya. Kitna kilometer hai? Aram se 3-4 kilometer. The Delhi people over here were very supportive of our har cheez content. Hey guys, welcome to another vlog. आज का vlog जो कि है बहुत important है because it is 1st of January. तो first of all, a very happy new year to all of you. Secondly, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, आज ना मैं कमानी ऑडिटोरियम में शो कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट बढ़िया ऑडिटोरियम है. मैंने फर्स्ट टाइम इतना वेन्यू बुक करा कि दो शो वहाँ डाले, और फर्स्ट टाइम वी सोल्ड मोर देन 1000 टिकट्स इन वन डे इन दिल्ली. बाकी जगह तो एक बार हुआ है, पर दिल्ली में फर्स्ट टाइम, मतलब एक आध बार भी अभी रिसेंटली हुआ है. तो इन दिल्ली हाँ 1200 है पूरा सीन. मैं इतना वो था कि मैं यार आज कमानी दो शो सोल्ड आउट हो गए, मजा आएगा. मैं कोई मतलब ही नहीं भाई. मैंने बोला आ जाओ, कह रही नहीं तू करा, मेरा मन नहीं है. ऐसी है भाई, एक तो ना ये माइंड गेम्स खेलना बंद किया कर, समझा. अब भगवान की दया से बिक जाते हैं टिकट, तो इज अ नॉर्मल नंबर फॉर गौरव. अब हमेशा वो सिस्टर है, मैंने 600 टिकट बेची, मैंने समय ने कहा नाइस नाइस. अब मैं कितना रोज वही चीज में कितने एक्साइटेड, नॉर्मल सा ही कुछ होगा. 600-700 टिकट बेचा, हाँ ठीक है. मैंने कहा ठीक है ना. तो मैंने बोला हाँ नाइस ठीक है. तो इसने बोला आप आओगे? मैंने कहा नहीं, देखती हूँ, नहीं नहीं क्या ही करूंगी आके. तो मैं ऐसे पड़ी हुई थी, तो ऐसे साइलेंट सा वो दे रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है कि आपको क्या मतलब, आप तो हो ही ऐसे. मैंने कहा ये बोल क्यों रहा है? समझ बाद में मुंह से निकल गया कि आपको तो आने का मन भी नहीं है मेरे शो में, मेरे मैंने इतना बड़ा शो बुक किया, मतलब सोल्ड आउट किया ये. तब मुझे लगा अच्छा ये बात है, तो अब तो मैं आऊंगी. कोई नहीं यार, एक्चुअली पहले मेरा मन था सिरी फोर्ट करने का, पर अब सिरी फोर्ट करना. लड़कियां बदनाम है कि लड़कियां माइंड गेम्स खेलती, लड़के भी खेलते हैं, ठीक है. ये जो माइंड गेम तू खेल रहा था ना, सीधे सीधा बोल देता मेरे शो पे आ जाओ, सेकंड वाले शो पे. एक्चुअली आप आओ ना, ऑडियंस आ रही है, इसलिए मेरे को निकलना है. पीपल आर कमिंग हु लाइक द शो, दे आर कमिंग. पिछले तीन व्लॉग में मैंने यही जैकेट पहनी है, यही सब लोग भी बोले श्रेया नाती है. नोबडी केयर्स है, काली जैकेट सबके पास होती है. जैसे आपको किसी के बड़े शो की परवाह नहीं है ना, कैसे गुस्सा हो रहा है किसी को, आपके जैकेट की भी कोई परवाह नहीं है. कैसे किलस रहा है आप किलस हो. सीधा सीधा बोल के श्रेया आ जाओ, देख ना देखो भरा पड़ा होगा, देख लेना. तो वो बोल के नहीं बोल रहा है कि श्रेया आई वांट यू टू कम. एक बार ना फोन करके आना, बिकॉज़ सोल्ड आउट है. तो ऑलरेडी जो लोग आ रहे हैं मन से उनको मैं बिठाऊंगा पहले. हाँ. और आपके लिए अगर साइड में कोई सीढ़ी बड़ी खाली होगी तो यू कैन मेबी टेक अ सीट. ओके बेबी, आई कैन सिट इन द ग्रीन रूम आल्सो. नो नो, ओके, आई विल बी सिटिंग विद द आरती का थाली, आपका आरती उतारने के लिए. यू हैव नो क्लू, आई हैव द पोटेंशियल टू डू दैट. हां मैं बता रहा हूँ, फोन करके आना, जगह नहीं है सच में. गुबी गुबी यार तू कैसा है, तेरे साथ ना तुझे याद नहीं है? तेरे साथ मैं लॉकडाउन के टाइम पे आगरा गई थी शो करवाने. नहीं तू मेरी बात सुन, तेरे साथ मैं लंदन गई थी इतने वो इतना बकवास वाले ट्रिप में, ठीक है. लंदन अब इसलिए गए थे कि मेरा और नहीं तो गया लंदन और पूरा यूरोप. कैसे है अगर इतने तो नेपाल वाले शो में जाते मेरे साथ? जब नेपाल करा तब तो नहीं गए हैं, जब मैं जाता इधर गुबी तब बिल्कुल गोयल गया था तेरे साथ, ठीक है. ठीक है, जब तेरे दोस्त अच्छा ऑस्ट्रेलिया लेके जा मुझे, क्योंकि गौरव गुप्ता जा रहा है तो ये मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा रहे हैं. अच्छा कितना आप ही परेशान हो जाते हो मेरे शो से. श्रेया खुद ही बोलते, श्रेया आप ना ऑस्ट्रेलिया रहने दो. एक्चुअली आप ही परेशान होते कि दूसरा ट्रैवल करता है, और यूरोप में कोई नहीं था एक महीना के लिए. तो बोले श्रेया चल लो यार यूरोप, मेरी नौकरी भी उस वो थोड़ा उसमें आ गई थी, तब मैं नौकरी कर रही थी ना, तो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली थी, एक रीजन वो भी था. चलो बाय बाय. ये देखो दोस्तों गूगल मैप, क्या बादशाह चीज है. ये देखो गूगल मैप क्या मस्त एकदम ब्लू लाइन दिखा रहा है. और ये देख लो भाई, भाई ये पूरा इंडिया गेट जैम पैक्ड. और ऐसा भाई काट रहे लोगों का नहीं है. डोंट वरी गाइस, शो थोड़ा लेट ही शुरू होने वाला है. ऑडियंस भी साथ ही फंसी पड़ी, ये रही अभी आए बोल के गए. कितने जोश में शो करने निकला था, इंडिया गेट जाम में फंस गया हूँ. ऑडियंस पहुँची है, कुछ तो सीन चल रहा है उधर. इस चक्कर में पूरा जाम लगा हुआ है भैया, मतलब एकदम ही डेडलॉक हो गया, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है गाड़ी की, जीरो पे है. तो थोड़ी घुमा लेते हैं, चली भाई. इंडिया गेट पता नहीं क्या भसड़ हो गई है, सारी गाड़ियों को रोक दिया. 4 बज गए 5 मिनट में, 3 मिनट बजे, 4 बजने में 4 बजे का शो था और मैं बाहर फंसा पड़ा हूँ. देर इज नो वे आउट ऑफ इट, सो देर इज अ हाई चांस वी विल हैव टू कैंसिल फर्स्ट शो टुडे. हैप्पी 1st January. क्या जोश में स्टोरी डाली थी मैंने, बाकी साल भी ऐसा ही होगा. क्या यार भाई, कुछ नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता, गाड़ी छोड़ नहीं सकता. और गाड़ी छोड़ भी दूँ तो कहाँ छोड़ू, कोई पार्किंग मिले तो वहाँ छोड़ के पैदल चले आऊँ, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से. पार्किंग भी नहीं, कुछ नथिंग आई कैन डू. ये रहा दिल्ली में अथॉरिटी का अमेजिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट दोस्तों. देखो क्या मस्त ट्रैफिक मैनेज करा है, मज़ा आ गया. हर जगह से ट्रैफिक मैनेज हो जाए तो देश का तरक्की 1 मिनट में हो जाए. प्रॉपर लुटियंस दिल्ली में ये हालात है आज भाइयों. कुल मिला के सीनियर ऑडियंस आ चुकी आधी, ऑडियंस पूरी नहीं आई है अभी. ये गाड़ी मैंने लगा दी यहाँ पे और नोनू आ रहा है भाग कर कहीं से, तो अब रिले रेस खेलेंगे. नोनू मेरे हाथ में बैटन देगा और मैं वापस जाऊँगा भागते हुए वेन्यू, क्योंकि यहाँ से निकलने कोई ऑप्शन नहीं है. इंडिया गेट छोड़ना ही पड़ेगा,
अगर शो करना है तो फुल भाई फुल भीड़ है फुल ज्यादा मतलब कभी भाई एक दिन सोचा था कुछ करेंगे उस दिन ही बसा एक मिनट आ जा दोस्तों देखो नोनू स्प्रिंट मार के पहुंच गया भाई बहुत तेज में तो निकल रहा था वॉलेट दे दे मेरा वॉलेट ठीक है चला लेगा ना लाइसेंस ठीक है हाँ इसका अभी लाइसेंस बना तो फायदा हुआ शाबाश गुड जॉब ठीक है अब लेके आइयो लेके आ जा कमानी ऑडिटोरियम भीड़ आ गई क्या ज्यादा कितना कितना किलोमीटर है कितना है कितना जल्दी पता कितना किलोमीटर है आराम से 3-4 किलोमीटर चार किलोमीटर दौड़ा तू एकदम बेचारे की हालत खराब होगी भाई ये होता भाई होने के फायदे चलो दोस्तों मेरी स्प्रिंट शुरू एकदम भाई मैंने कभी नहीं सोचता था ऐसे शो कर रहे जाऊंगा वो भी दिल्ली में और लंका लगी भाई पूरी मेरी ये रहा इंडिया गेट पीछे सब बंद है एंड नो एडवाइजरी नथिंग आज रनिंग का फायदा होगा एक पेस पकड़ के लंबा डिस्टेंस दौड़ते रहो कुछ प्रोटेस्ट भी है इधर पता है इनफैक्ट प्रोटेस्ट ही है यहाँ यहाँ मेनली प्रोटेस्ट चल रहा है ये वाला डिस्टेंस आई थिंक ये कुछ तो इशू चल रहा है इस वजह से बंद करो पूरा इंडिया गेट प्रोटेस्ट का पता करते किस चीज़ का थोड़ी देर बाद बट सम मेजर प्रोटेस्ट हैपनिंग ओवर हियर एंड आई हैव टू क्रॉस दिस प्रोटेस्ट वाला एरिया तो कवर कर दिया अभी है लेफ्ट में कस्तूरबा गांधी मार्ग और फिर कॉपर निकस मार्ग अरे भाई साहब ये लेफ्ट में कस्तूरबा गांधी मार्ग हुए क्रॉस ये रहा ये वाला लेफ्ट वाला नेक्स्ट इस कॉपर निकस वहाँ पे जाके लेफ्ट लेके आएगा अरे भाई अच्छा खासा डिस्टेंस दौड़ लिया भाई अरे बाप रे बाप भाई अलग ही फसल है भाई तो स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए फिट रहना भी जरूरी है मैंने सोचा था कल से दौड़ूंगा पर भगवान की मर्जी यही थी कि मैं आज भी दौड़ूं फाइनली इन फ्रंट ऑफ द ऑडिटोरियम मस्त स्प्रिंट मारा भाई हाँ भाई मैं बोलना चाहता हूँ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कायरन डी सुजाको जिसने मुझे रनिंग के लिए ट्रेन करा क्योंकि भाई आज ये दिन आ गया भाई रनिंग करके पहुंचना पड़ा है हेलो भाई सुख ले आयो बैठो भाई बैठो भाई मैं जाके अनाउंस करूँगा शो स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स अरे बाप रे दोस्तों आपने तो देख ही लिया था अभी तक व्लॉग में क्या हुआ है इस धारावाहिक में भाग भूक करके इस टी शर्ट से टपक के पसीना मेरी गांड पे भी गया था बट स्टिल ऑल ऑफ द दिल्ली पीपल ओवर हियर वर वेरी सपोर्टिव टू वी हैड अ ग्रेट 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 टाइम विद एवरीवन दिस इज फर्स्ट ऑफ जनवरी गाइस प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट शो दैट आई हैव डन थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू विल टेक वन एक मस्त करा दिल्ली का फर्स्ट शो मजा आ गया सेकंड वाले बेचारे अभी जाके एंट्री खुली है बल्कि 6:30 के सोता पूरा साथ एंट्री खुली तो थोड़ा लेट हो गया पर एक लड़की देखे गई है यूजुअली मैं सोचता बाद में घर जाके खोलूंगा उसे लेट हो गया तो अभी खोल देता हूँ वो हाथ से बना के लाई थी अभी देखते हैं भगवान से ही बनाया वो बड़े बंदे बना के लाया मैंने घर से कह रहा आपके लिए बनाया मम्मी तुम तीन लंबी बना दी आई होप वो उसे हैंडेड लेटर हो तो ये नहीं पड़ेगा ओ दिस नाइस ये अलग है शुगर मेरी फोटो नहीं है मंडला आर्ट कलर हमारे घर पे लगा लेंगे मस्त चीज ये लगाएंगे बाकी लेटर ये मैं अकेले पढ़ लूंगा अरे आए गए आप इतनी फसल में क्या है हेलो बहुत भीड़ थी क्या अभी ये वाला नहीं दीदी का है बहुत खेल रहा और ऐसे लेट से हुआ एकदम दीदी तो बोल रही गौरी हमने इतना ट्रेंड कर लिया 145 ट्रेंड कर लिया उसको जल्दी खत्म करना चाहिए था पानी ले लो ना हां पियो पियो धन्यवाद भाइयों देखो ये एंट्री लेने के लिए खड़ा है सामने बनीत वहाँ पे चल रहा है शो सेकंड शो कहाँ भाग रहे हो कहाँ किधर क्या हुआ क्या हुआ सुसु आ गई क्या हुआ दोस्तों दिस वॉज द सेकेंड शो इन दिल्ली टूडे एंड इज द सेम वीडियोग्राफर अरे अभी मेरे सेल्फी पे चल रहा है ये अपना प्रभु बट वी परफॉर्म फॉर एवरीवन ओवर हैड अ ग्रेट टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू
दोस्तों एक अलग सा कपल भी आया है, मुंबई की लड़की की दिल्ली के लड़के से शादी हुई है। यूजली होता नहीं है, नाम निनाद है जिसका किसी को मतलब नहीं पता। यहीं पर बैठे हैं और कौन, ये दो दोस्त हैं, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती पर अपने आप को बेस्ट फ्रेंड कह रही है, बहुत बनती है। और इनकी दोस्ती जैसे मुझे चल रही है, भाई साहब ने बता दिया कैसी चल रही है, इन्होंने बताया इनकी सही नहीं चल रही। और भाई मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में शो कर रहा है, इन गुंडों के साथ परफॉर्म करना पड़ता है, यहाँ दो जो तुम मारते हो ये मारते हैं। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, वी हैड अ ग्रेट टाइम। क्यों भाई ये आज नोनू वेन्यू पे इसकी वजह से आज शो हो पाया, पहला वाला तो स्प्रिंट मार के आया ये भाग करके। क्यों मोटिवेट कर रहे थे, कोई रनर है क्या? मनीत ने बोला मुझे, मनीत भाई इधर आइए एक बार, मनीत ने मुझे बोला कि तुम्हें एक प्रोडक्शन में एक दो बंदा और चाहिए, बड़े इतने ऑडियम में करा ली ना। हाँ उसने वही बोला दोस्तों, बनीत इस दिखाए जिसने आज का शो बचाया है बाय द एंड ऑफ इट प्रोडक्शन वगैरह। हाँ पर बाकी कैसे भाई, कैसे हो, कैसे हो? हाँ भाई तुम नहीं होते तुम्हारी लंका लग चुकी थी आई थिंक, हमें आइडिया नहीं था ना ऐसे भी होता भाई, दो शो में इतनी भसड़ हो जाती है। हम तो सिंगल वाले करे ना इससे पहले, नहीं दो किए पर ऐसा नहीं कि एक मिनट का भी गैप ना। आज भसड़ हो गई ना, कट टू कट हो गया था। हाँ और मतलब मेरा भी प्लान नहीं था, मेरा भी ऑटोमेटिक प्लान था क्योंकि जाने का रास्ता नहीं था, मतलब व्यूअर्स का थे, ये मेट्रो से वापस हो गया है। हाँ बहुत भीड़ थी क्या आज? हर चीज कंटेंट है। चलो बाय, चल बाय बाय। तो है तो अभी हम मैंचो टोक्यो से जापानीज खाना खा के निकले, और अभी दीदी बताना आप जरा क्या जो आपने पूरा हमें बोला कि हम अभी जापानीज से खाना खा के निकले और अब हम पान दबा रहे हैं। तो हमने उनका कल्चर फॉलो कर लिया, बहुत कोशिश की चॉपस्टिक से खाने की पर हमारी असली औकात ये वाली नहीं है, नहीं मैं एक बार मीनी के साथ मम्मी के साथ आई थी शायद, ये नहीं, अरे वो साइड वाला है, वो दूसरा है, हमें इस साइड हम कभी आए नहीं है। ओके गाइस, सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग, आई होप यू लाइक द व्लॉग। आई नेवर एक्सपेक्टेड फर्स्ट ईयर का पहला व्लॉग इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग निकलने वाला है। मजा ही आ गया भाई, कल एकदम अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। होपफुली वी विल हैव मोर व्लॉग्स इन दिस ईयर, क्योंकि भाई मैं 3 महीने से शो कर रहा था, मुझे पता है व्लॉग्स एकदम इररेगुलर हो रखे थे, पर अब इट विल बी होपफुली इट विल बी रेगुलर, क्योंकि आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन व्लॉग्स एंड कंटेंट नाउ। उसके अलावा हमने गुड़गांव के शो में और मुंबई के शो में भी थोड़े फुटेज लिए थे, वो वाले अपने आफ्टर शो वाले, वो मैं किसी और ब्लॉग में डालूंगा, एक दो ब्लॉग के अंदर। अभी इस वाले में नहीं डाला क्योंकि ये कल ही हुआ है, मुझे लगा आज ये वाला डाल देता हूँ। तो जो गुड़गांव के शो में थे, मुंबई के शो में थे, वो फुटेज डल जाएगा एक आध ब्लॉग के अंदर। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड होपफुली वी विल पुट आउट मोर ब्लॉग्स दिस ईयर। ठीक है, टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, स्पेशली इन यस्टरडेज दिल्ली शो जो लोग आए इतनी भसड़ से निकल करके, भाई thank you so much।